भाई बरसाते का आज का एपिसोड भाई बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत मजेदार था। बहुत कतलम इसलिए खींचे क्योंकि भाई दो सिचुएशंस थी जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मजा आया। वो दो सिचुएशंस क्या थी उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आज के एपिसोड को देखने के बाद जिस तरीके से एंड हुआ है, मुझे कल के एपिसोड को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट अंदर से ना, एक होता नहीं है कि एक्साइटमेंट का एक जो गुब्बारा है वो फूट रहा है, वो लगातार फूटता ही जा रहा है, ठीक है। और एक तो नहीं पता नहीं कितने सारे गुब्बारे जो फूट रहे हैं, क्योंकि भाई सच में ऐसे क्लिफ हैंगर पे उन्होंने खत्म किया ना आज के एपिसोड, इतने मतलब ऐसी सिचुएशन पर कि कल का वेट ही नहीं हो पा रहा। काश टाइम मशीन होती मैं कल का एपिसोड जाके देखा था, काश। लेकिन सॉरी नहीं है, कोई नहीं, क्या हो गया भाई, कल का एपिसोड आएगा ना, कुछ ही घंटों की बात है, 24 घंटे की बात है, फिर कल का एपिसोड देखने को मिल जाएगा, फिर बल्ले बल्ले करेंगे भाई। क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे रेयांश बाबू, विक्रम या बोलो विक्की, और जो पूजा यानी कि आराधना की जो दोस्त हैं, दोनों को ले आए हैं। और भाई दोनों को लाने के बाद क्या, अब इनकी शादी मंदिर में करवाने वाले हैं। एंड पता है कौन सा मंदिर? 30,000 के पीछे वाला, मतलब सीरियसली ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से 30,000 से पीछे वाला मंदिर, ज्यादा दूर नहीं है। काश पहले पता होता, लोकेशन पर जाकर थोड़ी से बातचीत करके आता तो पता चल जाता पहले कि क्या होने वाला, लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन भाई वो आराधना और जो पूजा, उसको घर से लेकर मंदिर तक आने का जो रास्ता वो इतना लंबा था, इतना लंबा था, तो वो सब बहुत सारी चीज़ों। तो चलिए पहले तो बात करते हैं कि घर से निकले कैसे। निकल आए आराधना को, मतलब एक जगह फंसी थी उसको वहां से निकाला, निकाल के उसको पूजा के लिए पास भेजने को, पूजा के पास भेजा कि जाओ जाके तुम पूजा को ढूंढ के लो। पूजा को ढूंढ के ला ही रही होती है, उससे पहले क्या होता है, सामने एक औरत दिखती है। औरत पता नहीं कौन होती है, उसको पता जाता है, उसको लगता है कि आराधना है। एंड वो आराधना के सामने, आराधना समझ के उसको वगैरह 30,000 के पीछे वाली कोर्ट में, और क्या कहते हैं, मंदिर में शादी होने वाली है, ठीक है, और तुम जिससे भी शादी करोगे वो बहुत ज्यादा लकी होगा। अब भाई वो निकलती है पूजा की मौसी या बुआ, ऐसे कुछ है, रिलेशन पता नहीं, इस पर फोकस ही नहीं किया, ठीक है। वो बनती है एंड इसके बाद क्या होता है, अब जब वो लोग देखते हैं कि लाइट गायब है, लड़के को कुछ पता नहीं, तो भाई वो जो आराधना के पापा हैं और पूजा के पापा, वो भागते हैं दोनों को देखने के लिए, दोनों नहीं मिलते। इससे पहले उसके जो बुआ या मौसी जो भी है, वो ये सब बक चुकी होती, जो भी रेयांश ने कहा होता है, सब उस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि आराधना और पूजा दोनों गायब है, भाई दोनों से पूछे कि कहाँ बोला था, क्या बोला था, बोले 30,000 के पीछे वाली मंदिर में शादी करने वाले हैं, तो करवाने वाला हूँ या करने वाला हूँ, जो भी एक्सैक्ट वो है। तो अब वो लोग निकल जाते हैं 30,000 के पीछे वाली जो मंदिर है वहाँ पे पहुँचने के लिए। दूसरी तरफ रेयांश भाई दोनों को लेकर निकले, आराधना और पूजा को। उनका भाई एक ही राग होता है, काश लहंगा होता, काश लहंगा होता, काश लहंगा होता है। रेयांश इन सब की बातों को सुनकर बोलता है कि चलो भाई तुम्हारे जो लहंगे की ख्वाहिश है वो पूरी करता हूँ, चलो। और ले जाके जगह पर रोकता है, दोनों को मैचिंग लहंगा मिलाता है, ठीक है, पहनाता है, दिखाता है, सब कुछ होता है। फिर तो उसके बाद क्या होता है, बिल कटवा के जाने वाला था। लेकिन तभी हमारे जो शॉपकीपर भाई साहब है, वो बोलते हैं कि भैया आप भी लो ना, आप तो दूल्हे हो। दूल्हे नहीं हो, दूल्हे का दोस्त हूँ जो लड़की को भगा के ले जा रहा हूँ। बोलता तो क्या हो गया, आपको भी शेरवानी बनती है, क्या हो गया, तो शेरवानी वेरवानी मुझे कुछ नहीं पहननी, ठीक है। तभी अभी जैसे आराधना और उसकी दोस्त आ जाती है, दोनों बोलते कि दो मैचिंग शेरवानी भी निकाल दो आप, ठीक है। तो ये बात सुनते हो ओके, बोले रेयांश आराधना के सामने कुछ नहीं बोलता। फिर क्या था, रेयांश पहनता है जो है क्या कहते हैं शेरवानी, और निकल पड़ता है अब मंदिर के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे रेयांश पूछता और कुछ, बोलता है हाँ मेकअप पार्लर, तो पार्लर लेके जाते हैं, दोनों का पार्लर में मेकअप वेकअप होता है, फिर वो वहां से आते हैं मंदिर। अब इस पूरी ट्रिप के बीच में भाई रेयांश और आराधना के बीच काफी खिटपिट होती है, काफी ज्यादा मजेदार बहस होती है, काफी चीज होती है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वो बहुत ज्यादा मुझे मजा आया देखने में। पहला मोमेंट तो ये था। अब जो दूसरा मोमेंट है वो ये था कि जब वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, तो भाई रेयांश को बस इस बात का दुख होता है कि आराधना की शादी हो रही है और आराधना से मैं प्यार करता हूँ, और वो जिससे शादी कर रही है वो उसका दोस्त है, इस बात का दुख होता है, उसको बुरा लग जाता है। तभी क्या होता है, आराधना उतर के सामने से आ रही होती है और वो उसको देख के, मतलब देखते ही है, तो उसको होता है अंदर फील होता है कि ये हो क्या रहा है, और उसके आंखों से आंसू आते हैं। आराधना होती है ये रोमांस को ज्यादा ही ऊपर जा रहा है, मतलब वो शादी करा तो आपको इतने ज्यादा दुख दुख हो रहा है, क्या प्रो है, नहीं नहीं ये रोमांस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर वो बोलता है, पता नहीं क्या वो बोलता है कि आराधना बोलती पता नहीं, लेकिन लोगों के बीच में बातचीत होने लग जाती है।
कि ब्रोमैंस की बात तो तुम करो ही मत, तुम अपनी दोस्त को देखो हर जगह लेके चली जाती हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना, वो सुना देता है उसे। बोलता है कि ओ भाई मैं लेके जाती हूँ ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं उसके लिए रो रही हूँ, है शादी हो रही है तो क्या हुआ। तो बोलते शादी हो तो क्या, तुम उसको सुहागरात में भी लेके जाओगी। सुहागरात में मैं क्यों लेके जाऊंगी, मतलब क्या मतलब है, मतलब क्यों सुहागरात में, तो मतलब सुहागरात में वो भी रहेगी ना तुम्हारे साथ ना, आप बोलना क्या चाह रहे हो। अब भाई उनके बीच में इस बात को मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि शादी किसकी हो रही है। आराधना को लग रहा है कि वो बंदा नशे में है, रियांश है, और रियांश बोला कि ये क्या बात हो रही है, चीज अलग है। तो इन दोनों के बीच में जो चटपटी चटपटी बातें हो रही थी, इनके बीच में चटपटी चटपटी खिटपिट हो रही थी, बड़े मजेदार थी। अब एंड में क्या होता है, एंड में जो क्या नाम है इसका, आराधना है, वो बोलती है कि पूजा की और विक्रम की शादी हो रही है ना। तो बंदा फिर चैन की सांस लेता है, बोलता है कि पूजा विक्रम की शादी हो रही है। कंजमनी मन सोचता है तो शादी में तो तुम्हारी हो रही है ना, बोले नहीं नहीं पूजा विक्रम की शादी हो रही है। बोला अच्छा तो आप ये सोच रहे कि मेरी और विक्रम की शादी हो रही है। फिर वो उससे पूछते अच्छा जो वहाँ पे तुम मतलब बात कर रहे थे, वो तो मैसेज पढ़ा था, वहाँ पे तुम वहाँ पे ऐसे थे वहाँ पे था, अब तुम दोनों एक दूसरे को मतलब हाथ पकड़ रहे थे वो। भाई साहब अच्छा तो आप कितने गिरे हुए गंदी सोच के हो, आप क्या सोच रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। भाई साहब रेयांश बोला हाँ यार मैं बहुत ज्यादा गिरा हुआ, बहुत गंदी सोच रखता हूँ, बहुत ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा वैसा, बहुत बहुत भाई। और विक्रम की तरफ देखता हूँ, तू रुक तो बता दो गुस्से में भाई साहब है ना। और विक्रम बोलता है कोई नहीं भाई मैंने नहीं बता तो क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर चैन की सांस लेता है रेयांश, और फिर दोनों की शादी करवाने के लिए ऊपर मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ जाता है। लेकिन अब जो कल का एपिसोड है, कल के एपिसोड में होगा ड्रामा। ड्रामा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो राधिका है और जो पूजा, उसके पापा आए, उसकी मम्मी आ रही है, और राधिका के पापा ने ये भी बोल दिया, सॉरी राधिका के पापा ने ये भी बोल दिया कि अगर पूजा इसमें कहीं पर भी मिली और दिखी तो भाई वो नहीं बचने वाली है बिल्कुल भी। ये सुन के तो और भी ज़्यादा आराधना की मम्मी को टेंशन लगी, अब क्या होगा। अब इसके बाद जो प्रोमो में देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि दोनों की शादी होगी, और मतलब विक्रम और पूजा की, आराधना और जो ये क्या नाम इसका रेयांश, दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े ही होते हैं। तभी भाई उनकी फैमिली, तब जो आराधना और पूजा की फैमिली वो आ जाती है, और दोनों अलग हो जाते हैं, पहले पूजा और वो रेयांश, और पीछे दिखते वो दोनों विक्रम और पूजा। और ये चीज़ देख के भाई साहब क्लियरली दिख रही होती है कि जो मतलब क्या नाम है इसका, अरे पूजा और उसकी फैमिली, और आराधना की जो उसकी फैमिली, वो दोनों यहाँ पे बवाल मचाएंगे हंसते खेलते। और ये बवाल देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि आखिर होता क्या है, क्या यहाँ पे रियांश एक जो सो कॉल्ड अच्छी इमेज बना के बैठा हुआ है आराधना के घर में, क्या वो ये सब चीज़ें सॉल्व कर पाएगा, सॉर्ट कर पाएगा, या फिर यहाँ पे भाई रिश्ता नहीं होगा, शादी नहीं मारी जाएगी इसको, फिर कुछ उल्टा सीधा करके चीज़ें जो हैं वो तोड़वा दी जाएगी, ये देखते हैं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वे में हो गया, नेगेटिव वे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसी तरीके से जो बरसाते हैं उसके आने वाले सभी एपिसोड्स की कहानी जानने के लिए, रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।